हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेन क्लासेस। तो जी टेन क्लासेस की तरफ से हम लोग जो फ्री स्टडी जोन के अंडर लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स कवर कर रहे थे सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलोंग विद बायोलॉजी। तो उसमें क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग थर्ड चैप्टर कवर कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंडर हम लोग दो पार्ट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी लास्ट पार्ट होगी। और इस पार्ट के बाद आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जहाँ पे चार्जेस और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सारा पोर्शन खत्म हो चुका होगा। आपकी मोर देन वन यूनिट कवर हो चुकी होगी अगर आप इसको फर्स्ट यूनिट में कंसिडर करते हैं तो, एक यूनिट, एल्स ये सेकेंड यूनिट हमारी। तो पिछले दो वीडियो का अगर हम फ्लैशबैक में आपको लेके चले तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल, बैटरी, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो कुल मिला के हम लोगों को एक बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के जितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। अब अगर हमारे पास सारे कॉम्पोनेंट्स को मिला के एक सर्किट दे दिया जाए और उससे बोला जाए कि कुछ भी निकालना है, फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब लगा है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो बल्ब के अक्रॉस कितनी पावर जनरेट होगी, क्या हीट जनरेट होगी, एक रेजिस्टेंस लगा है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस एक पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्टेड है तो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस उठा के दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा या उससे कितना करंट फ्लो होगा। तो ये सारी चीजें अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारा जो है ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, किरचॉफ लॉ, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। पर ये गारंटी है कि इस लेक्चर को देखने के बाद किरचॉफ लॉ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किरचॉफ लॉ को समझने के लिए या उससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ चार पॉइंट्स हैं। अगर ये चार पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं और ये चार पॉइंट्स को आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करना आता है तो किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स का कह सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2। तो सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या था। किरचॉफ लॉ को दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड किया गया, वन वॉज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा एक पर्टिकुलर जंक्शन पे लगता है, अभी हम लोग जंक्शन लूप सब कुछ कंसिडर करेंगे, आगे सब कुछ देखेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ एक पर्टिकुलर जंक्शन पे लगता है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको KVL या किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज ये पर्टिकुलर लूप में लगता है। तो ये दो पार्ट थे हमारे, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब बात आती है कि इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, पता चल गया कि ये जंक्शन पे लगता है, ये लूप पे लगता है। तो पहले अगर हम KCL कंसिडर करें तो हम लोगों को बचपन से नहीं, क्लास 10 से KCL लगाना आता है, बट हमें नाम नहीं पता है कि इट वॉज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि करंट को हम क्रिएट नहीं कर सकते, करंट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो कि कहानी चलती चली आ रही है। क्या कहते हैं कि अगर एक वायर है मान लीजिए और यहाँ के पर्टिकुलर वायर चार पर्टिकुलर पार्ट्स में टूट जाता है और इस पर्टिकुलर वायर में से करंट I आता है, इस जंक्शन पे आता है, ये जंक्शन है नोड जहाँ पे आके कुछ वायर्स टूट जाए पर्टिकुलर n नंबर ऑफ पार्ट्स में, या n नंबर ऑफ वायर्स आके मिलके एक पर्टिकुलर वायर बना दे, तो वो चीज होती है जंक्शन या नोड। जंक्शन पे लगेगा या तो नोड पे लगेगा। यहाँ पे करंट आता है, अब आई करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पे सम ऑफ ऑल द करंट्स, या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स कह सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन, एल्जेब्रिक सम क्यों बोला जा रहा है बताए बता रहे हैं, एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। कुल मिला के किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पे जितना आने वाला करंट होगा उतना ही करंट जाने वाला करंट होगा। तो हिंदी में अगर बोला जाए तो आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो कितना करंट आ रहा है, आई, वो तो किसके बराबर होगा, जाने वाले करंट के बराबर, मतलब आई इज इक्वल टू I1 + I2 + I3 + I4। बस एल्जेब्रिक सम बोला गया है तो हम लिख सकते हैं I -I1 -I2 -I3 -I4 = 0।
अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है। तो सेम सिंपल सी बात है कि अगर हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो I-I1-I2-I3-I4=0, जो कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ 5 एम्पियर चला गया, यहाँ पे 1 एम्पियर चला गया, यहाँ पे 2 एम्पियर चला गया, तो इसमें कितना करंट जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 8 एम्पियर तो कंज्यूम हो गया, जो बचा हुआ होगा वो यहाँ पे जाएगा। तो किरचॉफ करंट लॉ यही कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ बहुत इजी है, ये आप लोग लगा चुके हैं। हम लोग 10th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करते हैं तो वहां पे ये चीजें कवर हो जाती हैं। बस नाम नहीं बताया जाता है कि तो ये आप किरचॉफ करंट लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आगे के लिए रखा जाता है। अगला है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर लूप में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस या ईएमएफ्स अक्रॉस एनी लूप या इन एनी लूप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी पर्टिकुलर लूप में चलते हैं तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर जगह से शुरू करेंगे और वापस से घूम के उसी जगह पे आ जाएंगे, लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जरूरी नहीं है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऐसे भी लगता है कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस से चलना शुरू किए और हो सकता है कहीं और जाके रुक जाते हैं। तो चार चीजें होती हैं कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ मूव कर रहे हैं तो बोला जाता है कि वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। तो जो ईएमएफ हम इक्वेशन में लिखेंगे वो किस साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है वहां पे पोटेंशियल में राइज हुआ है, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है तो जो ईएमएफ होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, IR इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं तो जो V लिखेंगे IR, वो हम किस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि करंट मूव्स ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये A है ये B है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, तभी तो करंट इधर से इधर मूव कर रहा है, बिकॉज करंट हैज द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वही बात ये है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस R लगा है और ये करंट I है तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप लेंगे वो -IR लेंगे। क्यों? मतलब वोल्टेज ड्रॉप एज इन VA-VB। क्यों? क्योंकि करंट इज मूविंग फ्रॉम, क्योंकि वी आर मूविंग, हम लोग VA से VB की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरह से कंसिडर कर लें। तो हम लोग अगर VA से VB तक जा रहे हैं तब तो खैर पॉजिटिव आएगा क्योंकि VA इज ग्रेटर देन VB, बट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग माइनस साइन के साथ पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वहां से खुद ही क्लियर हो जाएगा। और अगर हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है और हम मूव कर रहे हैं लूप में राइट टू लेफ्ट, तो वहां पे हम लोग राइज इन पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल देखें, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी लगी है, ठीक है, R1 R2, ये EMF की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। EMF की बैटरी से करंट निकलेगा I, ठीक है, I करंट इस पर्टिकुलर जंक्शन पे पहुंचेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या करिए कि इस पर्टिकुलर सर्किट को लेबल कर लीजिए, जहां जहां पे हमारे नोड्स हैं उनको लेबल कर लीजिए DFG, ठीक है। करंट EMF की बैटरी से निकलता है, F पे पहुंचता है, F से G पे पहुंचता है और G के पास जाने पे उसको दो रास्ते दिखते हैं। तो I करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर I1 चला जाएगा, ऊपर की तरफ I2 चला जाएगा, जाएगा ये I2 करंट A पे गया, एक ही रास्ता है, इधर चला गया, यहां से यहां तक आ गया I2 करंट, ठीक। मीन वाइल यहां से यहां तक I1 आ गया, यहाँ पे आया, दोनों करंट कंबाइन हुए, I1 प्लस I2 बने और वापस से सेल में जाके एंटर कर गए, ठीक है।
सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि करंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। करंट को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना आना चाहिए कि बैटरी में से जितना करंट निकलेगा बैटरी को वापस से उतना करंट मिलना चाहिए। तो अगर अब हम लोग केसीएल लगाएं एट जंक्शन जी, तो क्या मिलेगा हमको? जी जंक्शन पर अगर हम केसीएल लगाएं तो क्या मिलेगा? करंट, आने वाला करंट इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट। कितना करंट इनकमिंग है? आई। और आउटगोइंग करंट कितना है? आई वन प्लस आई टू। तो यहाँ पे हमको मिलेगी एक इक्वेशन, आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, पहली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब और किसी जंक्शन पे केसीएल लगाने की जरूरत तो है नहीं। सबसे एक और चीज की तीन अननोन है, आई आई वन आई टू, तो तीन इक्वेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब तीन इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग कहाँ पे थे कि अगर हमारे पास तीन अननोन है, आई आई वन और आई टू, तो तीन इक्वेशन हमें चाहिए। अगर तीन इक्वेशन हमें चाहिए तो हमारे पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए, तो सॉल्व ऑल ऑफ द पैरामीटर्स। अब इसको देखते हैं, तो अगर हम लोग केवीएल लगाएं, केवीएल एट, कोई एक लूप लेते हैं, ठीक है, लूप लेते हैं, मान लीजिए ए से चलते हैं, ए बी सी जी, और वापस से ए पे आते हैं, ए बी सी जी ए, ठीक है लूप। अब लूप में किसी एक पर्टिकुलर लूप में केवीएल लगता कैसे है? अभी तो लूप है, कंप्लीट लूप है कि जहां से शुरू किए वहां पे खत्म किए, लेकिन एक जनरल तरीका लेके अगर चलेंगे तो कभी अगर बाय द वे जरूरत पड़ती है कि हम ए से जाके बी पे रुक जाते हैं, तो ये तरीका फिर वहां पे भी लग जाएगा। ए से चलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल एट ए, कुछ भी होगा। ए से बी गए, ए से बी जाने में हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कैसा साइन लेंगे? माइनस मिलेंगे, माइनस आई टू आर वन, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल्स टू आई आर। उसके बाद हम लोग बी से सी गए, बी से सी में रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? देर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप, कोई मतलब नहीं है बी से सी। सी से जी की तरफ मूव करते हैं, करंट आ रहा है जी से सी की तरफ, हम जा रहे हैं सी से जी की तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो किस साइन के साथ लेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस आई वन आर टू। उसके बाद जी से वापस ए पे गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखते हैं? जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल, पहुंचे कहां? वापस से ए पे पहुंच गए, तो वापस से ए का पोटेंशियल लिख देंगे, ए कट जाएगा, यहां से आ जाएगा आई वन आर टू इज इक्वल्स टू आई टू आर वन, मतलब हमारी सेकेंड इक्वेशन। फाइन, दो इक्वेशन हो गई। तीसरी के लिए हम लोग मान लेते हैं, लूप लेते हैं जी सी डी एफ जी। होप सो आपको लूप दिख रहा होगा, जी सी डी एफ जी, सेम चीज लगाते हैं, साथ साथ लगाइएगा। जी से चलते हैं तो जी का पोटेंशियल, जी से सी पे गए, हम जी से सी जा रहे हैं, करंट भी जी से सी जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब नेगेटिव, माइनस आई वन आर टू। सी से डी आए, नो रेजिस्टेंस, नो पोटेंशियल ड्रॉप, काम खत्म। डी से एफ जा रहे हैं, डी से एफ जाने में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बट एक बैटरी है। बैटरी के किस टर्मिनल से हम मूव कर रहे हैं? हम लोग मूव कर रहे हैं डी से एफ की तरफ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये वाली चीज हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज इन पोटेंशियल। तो हम लोग लिखेंगे प्लस ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद एफ से जी, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, ये आ जाएगा हमारा वापस जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल। वीजी के बीजी कट गया, यहां से इक्वेशन आ गई ई इज इक्वल्स टू आई वन आर टू, थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल कि आप सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जंक्शन पे केसीएल लगाइए, जितनी जितने अननोन उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, उतने सारे लूप्स लीजिए, इक्वेशन बनाइए केवीएल लगा के, और फिर सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर वो किरचॉफ लॉ से सॉल्व होने वाला होगा तो ये चार पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, और हमें नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो इन पॉइंट्स के अलावा कहीं से सॉल्व हो सकता होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग किरचॉफ लॉ के मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है या किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये चार पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक पर्टिकुलर पेज पे लिख लीजिए,
उसके बाद वो पेज सामने रख के किरचॉफ लॉ के सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा। वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हूँ, तो शायद थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए कि अननोन कितने हैं, नोन कितने हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, सब कुछ वेरिएबल क्वांटिटी में लिखा था, एक नोटेशन पे लिखा था, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही हो किसी को, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। एक और चीज, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सर्किट बनी है, सबसे पहले आप सर्किट बनाइए, उसके बाद साथ में लेबल कर लीजिए। ठीक है, अब लेबलिंग आपकी हो चुकी होगी। अब कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है कि दो बैटरी दिए, अब किस बैटरी में से करंट निकालें, सॉरी दो सेल दिए या दो बैटरी कुछ भी दिया हो, किस सेल में से करंट निकालें, दिक्कत ये वाली बात होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किस सेल में से करंट निकालें, करंट हमें मेरी मर्जी है, हम इससे निकालें, इससे निकालें, दोनों से निकालें, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी निकालेंगे तो कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। वाय, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, हम डायरेक्शन पलट देंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम 80 वोल्ट वाली बैटरी में से करंट निकालते हैं, चलिए हम लोग ऑपोजिट निकालते हैं कि इधर करंट ले लिया हम लोगों ने I1। ठीक है, आई गया, यहाँ जाएगा आई, एफ पॉइंट पे पहुंचेगा, इसको दो रास्ते मिलेंगे, I1 इधर चला जाएगा, I2 ऊपर चला जाएगा। I2 को एक ही रास्ता मिल रहा है, चलता चला आया, I1 इधर से आया, I1 I2 कंबाइन किए, वापस से 80 वोल्ट वाले में I1 प्लस I2 एंटर कर गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे KCL एट जंक्शन F, तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तीन अननोन है, I1 I2, तो तीन इक्वेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग KVL लगाते हैं, लूप कौन सा लेंगे, A B C F A, आप लोग भी देख लीजिए, A B C F A, वापस से ऊपर वाला। सबसे पहले हम A से चल रहे हैं, तो A का पोटेंशियल, A से B की तरफ जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ड्रॉप इन पोटेंशियल, -30 I2। ठीक, B से C जा रहे हैं, नो रेजिस्टेंस नो पोटेंशियल ड्रॉप, ऐसे ही छोड़ देते हैं। C से F की तरफ आप चलते हैं, C से जैसे ही F की तरफ पढ़ना शुरू किए, पहले एक बैटरी मिली, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज इन पोटेंशियल, मतलब +45। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम सी से एफ जा रहे हैं, करंट एफ से सी जा रहा है, मतलब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो +1 × I1, ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर ये वाले का देखेंगे तो +40 I1, +40 I1, फिर एफ से ए की तरफ गए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इज इक्वल्स टू के बाद जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल। ठीक है, इक्वेशन हमारी क्या बनी, 30 I2 -41 I1 इज इक्वल्स टू 45, ये सेकेंड इक्वेशन बनी, यही बनी होगी, 30 I2 उधर लेके गए, ये उधर लेके गए। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा एक और इक्वेशन चाहिए, तो कोई और लूप ले लेते हैं, तो लूप ले लेते हैं FCDEF, नीचे वाला FCDEF, एफ से चलते हैं, तो वी एफ पोटेंशियल एट एफ, एफ से सी की तरफ जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो माइनस के साथ -40 I1 -1 I1, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप इन पोटेंशियल -45, फिर सी से डी की तरफ आएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें कितना करंट आ रहा है, I1 प्लस I2, क्यों, क्योंकि ये वो यहाँ पे आके मिल चुका है, I1 इधर से I2 इधर से, दोनों कंबाइंड नीचे, तो -20 I1 प्लस I2, फिर उसके बाद डी से ई की तरफ -1 I1 प्लस I2, उसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप इन पोटेंशियल -80 इज इक्वल्स टू जहां पहुंचे एफ पे उसका पोटेंशियल, वी एफ वी एफ कैंसिल हो गया, -41 I1 -45, ये हो गया -21 I1 -21 I2 इज -80 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बनी, तीन इक्वेशन तीन अननोन, पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, I1 I2 की वैल्यू निकालेंगे, I1 पता चल जाएगा, I2 पता चल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे I पता चल जाएगा, तीनों चीजें पता चल जाएंगी,
जैसे ही हमको सारी चीजों का करंट पता वैल्यूज पता चल गई, मान लीजिए कि आई की वैल्यू आई माइनस -10 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। अगर -10 एम्पियर आई और आपसे पूछा जाता है कि जो करंट है डी 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो हम बताएंगे 10 एम्पियर होगा, बट करंट का डायरेक्शन होगा ई से डी। क्यों? क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है। हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बट जब नेगेटिव आ रहा है तो हम आंसर लिखते समय उसका डायरेक्शन पलट के लिखेंगे। अब आपसे पूछा जाए अगर कि 30 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो सिंपल ऐसे I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 30 × I2, I2 हम निकाल चुके हैं। 50 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस अक्रॉस 30 ओम इन 30 सेकेंड्स मान लीजिए, तो क्या होगा, I2² R × T, I²R T। क्योंकि अब हमको अगर करंट पता चल गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा किरचॉफ लॉ का टॉपिक खत्म होता है। आप लोग सारे क्वेश्चंस कवर कीजिएगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे वेबसाइट जो दी नीचे दी गई वेबसाइट पे एक क्वेरी बॉक्स है, क्वेरी बॉक्स में आप लोग क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, कि आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ। कोई सजेशन हो कि हम वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी साथ साथ करते रहिएगा, ताकि हम लोग आपको अपना बेस्ट दे सकें। ये हमारा खत्म होता है यहाँ से, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो 4 पॉइंट्स के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अब अगला है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, एक डिवाइस होता है कि एक कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है, कि कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसा करके रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, और दो इन दो वर्टिसेस से बैटरी कनेक्टेड है। सेल का जो EMF है वो E है। रेजिस्टेंसेस क्या है? R1, R2, R3, R4, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G। E नहीं लेते हैं क्योंकि वो EMF से मैच हो जाएगा, H, फाइन। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि हमें वो रेजिस्टेंसेस लगाने हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, सॉरी, इस बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर किस पर्टिकुलर वैल्यू पे नल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंसेस के बीच में एक रिलेशन निकालना है, जिससे जी में मतलब ब्रांच BD में कोई भी करंट ना जाए। अगर हम मान लें इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी इज जी, कुछ ऐसे जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, मान लेते हैं बैटरी में से करंट निकला I, ठीक है, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2, यहाँ पे पहुंचा करंट, I1 करंट पहुंचा। अब यहाँ पे फिर करंट को दो रास्ते मिलेंगे, तो इधर करंट चला गया IG गैल्वेनोमीटर में, बचा कितना करंट, I1 में से IG चला गया। देखिए किरचॉफ करंट लॉ अगर नहीं भी लगा रहे तो हम डायरेक्ट यहीं पे लगा दिया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ही हमने लगा दिया, सो दैट नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कम होते जाए। यहाँ पे IG आया, वापस से इधर कंबाइन किए, डी जंक्शन पे कंबाइन किए, I2 + IG, I2 + IG ऊपर गया, I2 + IG। जब दोनों करंट सी पे पहुंचेंगे तो IG IG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा I1 + I2, और I1 + I2 वापस से जाके बैटरी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। सिंपल I1 + I2 ही निकला था, क्योंकि ये I = I1 + I2, अभी हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग KCL ही लगा लेते हैं, KCL या जंक्शन ए, यहां से मिलेगा I = I1 + I2, 4 अननोन है, I, I1, I2 and IG, पहली इक्वेशन। अब हम लोग KVL लगाते हैं, KVL के लिए हम लोग लूप लेते हैं, मान लीजिए A, B, D, A, A, B, D, A, V A से चले B पे गए करंट के डायरेक्शन में, मतलब -I1 R1। उसके बाद हम B से D आए, हम भी उधर जा रहे हैं B से D, करंट भी B से D जा रहा है, तो माइनस
इंटू जी, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और डी से ए गए तो प्लस I2R3 इज इक्वल्स टू जहां पहुंचे ए पे पहुंचे उसका पोटेंशियल, ये आ गया ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, I1R1 इज इक्वल्स टू I2R3 माइनस IG इंटू जी, सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग KVL लगाते हैं, किस लूप में लगाए KVL, BCDB ठीक है, BCDB, B से चलते हैं तो पोटेंशियल एट B, फिर B से हम C की तरफ जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब माइनस R2 इंटू I1 माइनस IG, उसके बाद C से D, हम C से D जा रहे हैं, करंट D से C जा रहा है तो प्लस R4 इंटू I2 प्लस IG, उसके बाद हम लोग डी से बी जा रहे हैं, करंट बी से डी जा रहा है, करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू जहां पहुंचे वापस से बी पे पहुंचना उसका पोटेंशियल, हो गया। ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स R2 I1 माइनस IG इज इक्वल टू R4 I2 प्लस IG प्लस IG इंटू जी, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ठीक है। अब ये लूप क्या था हमारा, हमें काम क्या था, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन या डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रूफ, वो ये था कि रेजिस्टेंसेस के बीच में हमें रिलेशन निकालना है फॉर विच जो गैल्वेनोमीटर जी शोज नल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज नल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर जो भी है हमारा तो उसकी जो नीडल होगी वो एकदम सेंटर पे होगी, जीरो मतलब IG कितना होगा, जीरो। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा तभी वो नल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर हमने IG को जीरो कर दिया तो इक्वेशन नंबर टू क्या मिल जाएगी उनको, I1R1 इज इक्वल्स टू I2R3, मतलब कुल मिला के I1 अपॉन I2 मिल जाएगा हमको R3 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फोर। और यहां पे अगर हमने जीरो कर दिया IG को तो मिलेगा R2 I1 इज इक्वल्स टू R4 I2, मतलब I1 अपॉन I2 विल बी R4 अपॉन R2, मिलेगा इक्वेशन नंबर फाइव। ये चीज हुआ, वीडियो को पॉज करके ये प्रूफ नोट कर लीजिए क्योंकि कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज का भी प्रिंसिपल लिखने को या प्रूविंग करने को आता है, अलॉन्ग विद दैट न्यूमेरिकल्स भी आते ही हैं। इतना होने के बाद अगर हम इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव को ध्यान से देखें तो I1 I2 दोनों हैं, तो यहां से मिलेगा R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। कुछ बुक्स में जो रेजिस्टेंसेस है उनको PQRS के फॉर्म में लिखा है, बट आप ये भी लिख सकते हैं। तो जिस जिस पॉइंट पे इन दोनों का प्रोडक्ट ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट मतलब R1 इंटू R4 R3 इंटू R2 के बराबर होगा, वहां पे बीच वाली आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा भी आ सकता है, जैसे कुछ भी मान लीजिए कि एक बैटरी लगी थी ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ही लगा था, मान लेते हैं यहाँ पे है 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे है 5 ओम का, यहाँ पे है 25 ओम का, यहाँ पे है 1 ओम का, और यहाँ पे है 100 ओम का। पूछा जाए कि सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है या बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, तो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को जब जब भी सर्किट ऐसी कुछ दिखे व्हीटस्टोन ब्रिज रॉम्बस टाइप की, तो हम लोग एक बार चेक जरूर करेंगे कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑपोजिट वाले का इन दोनों के बराबर है क्या, 5 5 25 और 25 25, मतलब कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, यूजलेस है। क्यों, क्योंकि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाली आर्म में से कोई करंट जाना ही नहीं है, और जब रेजिस्टेंस में करंट जाना ही नहीं है तो हमें रेजिस्टेंस का काम ही क्या है। तो कुल मिला के ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो यूजलेस हो जाएगा, खत्म इसकी कहानी यहीं पर। अब सिंपल है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में पैरेलल में सॉल्व कर लिया उसके बाद दोनों को, मतलब कुल मिलाकर सर्किट ऐसी बन गई ना, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया 26 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, काम खत्म। अब आपको जो भी निकालना आप वो निकाल लीजिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी आते हैं,
प्रिंसिपल के अलोंग विद द प्रिंसिपल और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये चीजें न्यूमेरिकल्स में भी आती हैं। तो जब भी आपको कोई भी सर्किट में लगे कि ये तो रॉम्बस टाइप का दिख रहा है, तो वहां पे एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक पूरा जहां पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो वाली ब्रांच ही हट जाती है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, तो फिर वहां पर डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब हमारा अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज। स्कूल में आप लोगों ने मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल किया ही होगा। कोरोना की वजह से अगर स्कूल नहीं भी जा पा रहे हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक हमारे पास 1 मीटर लंबा वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, उस अननोन रेजिस्टेंस की हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। या एक पर्टिकुलर मान लीजिए आपको वायर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज कैलकुलेट करते हैं। कुछ ऐसा कि एक बैटरी लगा दिया, अब इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, करंट को फ्लो करा रहे, साथ ही साथ हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया, गैल्वेनोमीटर से जॉकी को टच कर दिया, एक पेन टाइप का डिवाइस होता है उसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो मेटल की स्ट्रिप्स थी इससे 2 रेजिस्टेंस इसको जोड़ा, एक रेजिस्टेंस मान लीजिए पी है और दूसरा रेजिस्टेंस क्यू है, ठीक है। अब इस पूरी ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस पी और क्यू में एक रेजिस्टेंस नोन है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा अननोन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जॉकी को उठाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर है याद रखिएगा, हम लोग नीडल्स बनाते हैं। जब हम जॉकी को यहाँ टच करेंगे, मान लेते हैं कि जो नीडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा एक साइड पे, और जैसे ही हम जॉकी को उठा के यहाँ पे टच करेंगे, मतलब अगर हमने जॉकी को यहाँ पे टच किया तो वो डिफ्लेक्शन देगा ऑपोजिट साइड में, बट एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब कि वायर था यहाँ पे, अगर डिफ्लेक्शन ये आ रहा है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन ये आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो नल आएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वो पूरा इधर से लेके इधर तक बैठ रहा है, तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 शो करेगा। तो हम लोग अपना पहले तो चेक करते हैं कि सर्किट कंप्लीट है कि नहीं, उसके लिए चेक करते हैं कि दोनों एंड पे जाकर जॉकी को लगा के देखते हैं कि दोनों ऑपोजिट साइड पर डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग जॉकी को ऐसे टच करा के देखते हैं, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है L1 डिस्टेंस पे, L1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिलता है, जहां पे गैल्वेनोमीटर जो है वो नल स्केल डिफ्लेक्शन को दिखाता है। अगर ये हाँ AB वायर की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, तभी इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है, क्यों, वायर की लेंथ है अ मीटर, 1 मीटर। अब ये अगर L1 सेंटीमीटर है तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 100 माइनस L1 सेंटीमीटर, फाइन। अब इसके बाद मान लेते हैं कि ये जो भी पॉइंट था J, इसका रेजिस्टेंस है R और इसका रेजिस्टेंस है S, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कि लेंथ पर डिपेंड करता है। अब ये कुछ अगर हम इसको देखें तो कुछ ये ऐसा नहीं हो गया, इधर P जुड़ा है, इधर Q जुड़ा है, इधर R जुड़ा है, इधर S जुड़ा है, और ये यहाँ बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है जो कि नल स्केल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज काइंड ऑफ प्रिंसिपल हो गया। अगर व्हीटस्टोन काइंड ऑफ प्रिंसिपल हो गया तो P इंटू क्यू, सॉरी आई जी में से कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल स्केल डिफ्लेक्शन एट लेंथ L1, तो P इंटू S जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q इंटू R के बराबर होगा, होगा। मान लेते हैं कि लेट जो P था वो क्या है, हमारा नोन रेजिस्टेंस है, मतलब हमें पता है कि P वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, और हमको एक पर्टिकुलर वायर दे दिया गया था Q जिसका अननोन रेजिस्टेंस था, वही हमें निकालना है कि इस वायर के रेजिस्टेंस आखिरकार है क्या। अब P का रेजिस्टेंस पता कैसे चलेगा, उसके लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया रहता है, एक बॉक्स ऑफ रेजिस्टेंसेस रहता है,
ऐसे करके बहुत सारे रेजिस्टर कीज रहती हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम। तो जो रेजिस्टेंस हमें सर्किट में जोड़ना रहता है उसकी की हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही की बाहर निकालते हैं वो रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ जाता है और वो रेजिस्टेंस हमारा एक्शन में आ जाता है। ये हुआ। अब हमको निकालना है कि क्यू निकालना है, क्यू क्या हो गया, पी एस अपॉन आर। ठीक है, पी इज नॉन रेजिस्टेंस। रही बात आती है एस और आर क्या है भाई, तो अब रेजिस्टेंस एस जो है, मान लेते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए बी जो है वो रो है और एरिया जो है वो ए है। ठीक है, तो आर कितना होगा, रो एल वन अपॉन ए, और एस क्या होगा, रो 100 माइनस L1 अपॉन A। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कुल मिला के कहानी ये पता चलती है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी और एस अपॉन आर वहां से करेंगे तो आएगा 100 माइनस L1 अपॉन में L1। इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया गया हो कि लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट या लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। हम लोग लेंथ लेफ्ट से मेजर कर रहे हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में उल्टा दिया रहे, मेंशन किया रहता है कि किधर से लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं कि वो कितने ओम का वायर का क्या रेजिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से। हमें कुल मिला के क्या पता करना होता है, ये जो है क्या है, नल पॉइंट है, जहां पे गैल्वेनोमीटर नल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मीटर ब्रिज की या वायर की लेंथ मेजर करेंगे, मतलब नल पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर एंड से, और वहां से हम पता कर लेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट इसके भी, इसका प्रूफ तो आने की थोड़ी चांसेस कम रहती है बट न्यूमेरिकल आने की चांसेस काफी ज्यादा रहती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस थर्ड चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कंपेयर, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कंपेयर, पहली चीज विच इज यूज टू, दो चीजों के काम आता है, एक होता है विच इज यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल का ईएमएफ अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए, और दूसरा है टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल, दो काम आता है हमारा पोटेंशियोमीटर। अब जैसे कि मीटर ब्रिज था, मीटर ब्रिज में कितनी लंबाई थी वायर की, 1 मीटर, यहाँ पे वायर की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, कुछ इस तरह से होता है पोटेंशियोमीटर कि मान लीजिए 1 1 मीटर के 10 20 वायर लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से है। इस पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर में क्या होगा कि कुछ ऐसा ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं, अगर हम स्ट्रेट वायर कंसिडर कर लें कि मान लीजिए कितना भी बड़ा वायर है, ये था, इसमें कुछ बैटरी लगी होगी, कुछ रेजिस्टेंसेस लगे होंगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने दो बैटरी को कंसिडर किया, ठीक है, इस बैटरी का ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, ये K2 और ये K1। अब यहाँ पे सेम चीज ही कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि जो नल पॉइंट का लेंथ होगा, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि नल पॉइंट की लंबाई जो होगी वो डिपेंड करेगी कि कितना ईएमएफ हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, कुछ इस तरह से। चलिए इसको आगे देखते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या किया कि K1 इज क्लोज्ड, K1 अगर क्लोज्ड है एंड K2 ओपन है तो ये वाली सर्किट ब्रेक हो गई, ये वाली सर्किट ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा नल पॉइंट, हमने जॉकी को उठा के फिर से वायर पे कनेक्ट
टच कराना शुरू किया, एक L1 पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिला, तो यहाँ से हमने बोला कि EMF E1 is directly proportional to L1, E1 आगे हमारा KL1, where K क्या है? K को बोला जाता है potential gradient, rate of change of potential with respect to length. ठीक है, जितना ज्यादा बैटरी का EMF होगा उतनी दूर हमें नल पॉइंट मिलेगा. उसके बाद के सेकेंड में इन्होंने हमने क्या किया कि की K2 is closed, हाँ, and K1 is open. अब जब अगर हमने ये कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब K2 को हमने क्लोज किया, K1 को ओपन किया, तो ये सर्किट ब्रेक हो गई और ये सर्किट कंप्लीट हो गई. इसके लिए मान लेते हैं कि नल पॉइंट मिला L2 लेंथ पे, तो यहाँ से आएगा E2 is directly proportional to L2, मतलब E2 is equals to KL2. ये अगेन इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस हमको मिल गया E1 अपॉन E2 इज नथिंग बट L1 अपॉन L2. तो ये होता है कि हाउ वी कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर. ये पहला डिवाइस, पहला एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं. टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स हम लोग किसको कंसिडर करते हैं कि दो सेल लिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, एक बार में एक सेल को एक्टिव रखा, एक को इनएक्टिव किया, कैसे, की की मदद से, और जैसे ही एक को एक्टिव रख के दूसरे को इनएक्टिव किया और जॉकी की मदद से नल पॉइंट देखा, तो नल पॉइंट ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है. मतलब नल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वायर उसके लेंथ ईएमएफ के प्रोपोर्शनल मिलता है. तो वहां से हम लोगों ने दोनों रिलेशन निकाला और उसके बाद कंबाइन किया, तो वहां पे हमें मिला कि E1 अपॉन E2 इज नथिंग बट L1 अपॉन L2. तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. दूसरा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू कंपेयर या टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं. अब यहाँ पे अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग एक बार क्या करिए कि एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए कि कैसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप लोगों को ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का बहुत ईजी होता है, दो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करना इज वेरी ईजी, पर मान लीजिए कि कैसे किया जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है. तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि EMF की बैटरी थी और यहाँ पे अगर हम ये कर लें कि यहाँ पे वोल्टेज लगाने की जगह यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लें, वही जो हम लोग मीटर ब्रिज में ले रहे थे कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, जो भी की हम निकालेंगे वो रेजिस्टेंस सर्किट में आके जुड़ जाएगा, उसके नीचे लिखा भी होता है. अब यहाँ पे अगर हम लोग नल पॉइंट लेना शुरू करें, मान लेते हैं केस वन, व्हेन K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, तो यहाँ पे फिर हम लोग नल पॉइंट लेंगे तो E क्या आ जाएगा, KL1, KL1 आएगा, वेयर K क्या है हमारा, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे EMF तो चलिए आ गया, उसके बाद अगर हम लोग क्या करें कि K2 को क्लोज करें और K1 को ओपन करें, तो वहां पे क्या चीजें आएंगी, वहां पे भी यही चीज आएगा कि अगर हमने देखा तो हमें यहाँ पे जब मानते लिख ही लेते हैं केस टू, व्हेन K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, तो सेम चीज कि फिर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे EMF तो है नहीं, बट हाँ इस रास्ते पे, इस पर्टिकुलर रास्ते पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको हम लोग KL2 लिख सकते हैं. अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू हम लोगों को मिलेगा E अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 मिलेगा, 1, 2 E अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं कि सर्किट में करंट I निकल रहा था, तो यहाँ पे हमको ये एक चीज पता है कि हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, एक ये चीज V = IR ये देखा था. अगर
चार्जिंग सेल और डिस्चार्जिंग सेल जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका है, वहां से अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या मिलेंगी हमको, आई आर प्लस आर अपॉन में आई आर इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, आर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी आर एल वन बाय एल टू माइनस वन. ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ ई एम एफ ई. आर हमारा है रेजिस्टेंस, बॉक्स का रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस हम एक्टिव कर रहे हैं. एल वन क्या है, एल वन इज द नल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ द एंड ऑफ द वायर जब ई वन को एक्शन में लिया गया, और एल टू क्या है, नल पॉइंट का डिस्टेंस जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स को एक्शन में लिया है. तो ये था हमारा टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेल यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स एंड पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड कंप्लीट होता है. तो आप लोग अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक पूरी बड़ी सी यूनिट खत्म हो चुकी है. इसके बाद हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में मैग्नेटिज्म कवर करेंगे. अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक कवर कराना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर सकते हैं, हम पहले वो लेक्चर्स कवर करके वीडियोस को अपलोड कर देंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा. सजेशन कुछ भी प्रोवाइड करना है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर सजेशंस को प्रोवाइड कीजिए. और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे.